हेलो फ्रेंड्स, आई एम संजय गुप्ता। वेलकम बैक ऑन संजय गुप्ता टेक स्कूल। आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज, और इस वीडियो में जो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 19, तो जिसमें मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में और कुछ प्रोग्राम्स एक्सप्लेन करूंगा, उनके लॉजिक डिस्कस करेंगे और कैसे वो इम्प्लीमेंट होते हैं वो प्रैक्टिकली देखेंगे। अलॉन्ग विद दैट कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि सी कंपाइलर आपको प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आपको फंक्शन को डायरेक्टली यूज करना होता है, उसकी कोई कोडिंग आपको नहीं करनी होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको स्ट्रिंग का बेसिक और कुछ सिंपल प्रोग्राम्स जो समझ में आए होंगे। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है या पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट नंबर पर एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जो उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं वो एक सीक्वेंस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड वीडियो देखने के बाद आपके मन में कुछ डाउट्स भी आ सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, तो ये मेरी डिटेल्स हैं जिनसे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सेपरेटली ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कम्युनिकेट करके ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं मोर ऑन स्ट्रिंग। सो पहला जो प्रोग्राम हमें इम्प्लीमेंट करना है वो है प्रिंट रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। तो चलते हैं अपने कंपाइलर के पास। तो अब मैं इसमें आपको दो लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। एक तो हम जो स्ट्रिंग रीड करेंगे उसको डायरेक्टली उसका रिवर्स प्रिंट कराएंगे, और एक लॉजिक में क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को रीड करेंगे और उसका जो रिवर्स है वो किसी दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे एंड देन उसको प्रिंट करेंगे। तो अभी के लिए मैं एक ही स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका साइज है 20, वेरिएबल आई यहाँ पे डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप, देन प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग और गेट एस के थ्रू हमने स्ट्रिंग को रीड किया। तो स्ट्रिंग को रीड करने के दो मेथड मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप स्कैन एफ भी यूज कर सकते हो और आप गेट एस भी यूज कर सकते हैं। तो जो बेस है वो आप उस वीडियो से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो पहले वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये चीज प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। तो स्ट्रिंग को रीड करने तक का लॉजिक यहाँ पर सेम होगा। अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट कराना है। ठीक, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे साइज तो हमने 20 लिखा है, बट जरूरी नहीं है कि यूजर 20 कैरेक्टर्स ही इनपुट करे, वो कम कैरेक्टर्स भी इनपुट कर सकता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने कैरेक्टर्स इनपुट किए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम यूज करते हैं नल। मतलब नल जितने कैरेक्टर्स आप स्टोर करेंगे लास्ट कैरेक्टर के जस्ट बाद ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर स्टोर होता है, दैट इज नल। तो अब जो रिवर्स के लिए हम लूप स्टार्ट करेंगे उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम नल को यूज करेंगे। हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि नल किस पोजीशन पर अवेलेबल है और उसके थ्रू हम फिर जो स्ट्रिंग है उसका रिवर्स प्रिंट कराएंगे, राइट। तो एक लूप इंप्लीमेंट करता हूं, आई इक्वल्स टू 0, एसटीआर ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इस लूप को अगर हम चाहें तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसके साथ मैं कोई भी स्टेटमेंट रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो आई लूप को 0 से स्टार्ट किया तो पहले 0 इंडेक्स चेक होगा, अगर 0 इंडेक्स नल की इक्वल नहीं है तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई पहुंचेगा 1 इंडेक्स पर, फिर से कंडीशन चेक होगा, अगर 1 इंडेक्स पर भी नल नहीं है तो आई हो जाएगा 2, और इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो एट लास्ट हम किस पोजिशन में पहुंच जाएंगे, नल। तो लेट सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने इनपुट किया इंडिया, तो 5 पोजीशंस फिल हो गई और लास्ट पोजीशन पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नल। तो ये 0 इंडेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5th इंडेक्स पर क्या मिलेगा, नल। तो 0, 1, 2, 3, 4 पर तो इंडिया अवेलेबल है और 5th इंडेक्स पर क्या अवेलेबल है, नल। तो जब ये लूप टर्मिनेट होगा, ये जो फॉर लूप है जिसके साथ हम कोई स्टेटमेंट रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो हमने सेमीकोलन यहीं पुट कर दिया और ये इंटरनली रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, 5, क्योंकि नल किस पोजीशन पर अवेलेबल है, 5th इंडेक्स पर। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब ये फॉर लूप कंप्लीट होगा तो आई नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब हमें एक नया लूप इंप्लीमेंट करना है जो कि स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट करेगा। तो उस लूप को स्टार्ट करते हैं फॉर। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि आई लास्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जे और उसमें क्या असाइन कर दिया, आई माइनस 1।
ठीक है, देन जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और जे माइनस माइनस, एंड यहां मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंट सी एस टी आर ऑफ जे। ठीक है, अब इसको एक बार समझ लेते हैं। यहां पर पहले मैं जे को डिक्लेयर कर लेता हूं। अब देखो जब ये लूप फिनिश हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या है, फाइव इस एग्जाम्पल के लिए। अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा है कम है तो उसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू होगी। तो अपने एग्जाम्पल जिसमें मैंने इंडिया टाइप किया तो नल फिफ्थ इंडेक्स पर अवेलेबल है, तो इस लूप के खत्म होने के बाद आई फाइव है। अब हम ये लूप स्टार्ट करेंगे तो यहां पर जो जे है उसमें क्या साइन हो जाएगा, आई माइनस वन मतलब फोर। तो हमें कौन सा इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करना है, फोर्थ इंडेक्स, हमें फिफ्थ को प्रिंट नहीं कराना है। ठीक, तो जे बेसिकली फोर से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो तक, तो ये जीरो तक डिक्रीज होगा और एक एक कैरेक्टर को परसेंट सी के थ्रू हमने कंसोल पर डिस्प्ले कराया। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर परसेंट एस नहीं यूज किया है, परसेंट सी लिखा है, क्योंकि अभी हम एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करके और एक ही बार परसेंट एस से प्रिंट कराएं, तो उसके लिए मैं अभी इसी प्रोग्राम को फर्दर मॉडिफाई करूंगा जिसमें हम रिवर्स को किसी दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर कराकर फिर उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो अब एक बार के लिए इसको इरेज कर देता हूं। तो अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, इसको रन करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो यहां पर हमें स्ट्रिंग इनपुट कराना है, तो मैंने एंटर किया इंडिया, तो आप देख सकते हो इंडिया रिवर्स ऑर्डर में यहाँ प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले ए प्रिंट हुआ, देन आई, देन डी, देन आई, देन ए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो स्ट्रिंग रीड की थी उसका रिवर्स कैसे प्रिंट कराया। और ये जो लूप है ये हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करे कि मैंने फॉर लूप के बाद सेमीकोलन यूज कर लिया, नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि फॉर लूप के साथ कोई स्टेटमेंट रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। नीचे वाले लूप में एक प्रिंट है, फॉर लूप के साथ रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं किया। तो आप इस तरीके से भी फॉर लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं, तो हम पहले लेते हैं एस वन एक स्ट्रिंग, देन मैंने लिया एस टू दूसरा स्ट्रिंग। ठीक है, एस वन को रीड कराया, S1 के लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे से प्रिंट एफ को तो हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं फिर से एग्जांपल लिखता हूं इंडिया बैक स्लैश जीरो जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है, तो अब देखो जब ये लूप फिनिश हो जाएगा तो अपना आई किस पोजीशन पर है, फिफ्थ पोजीशन पर। तो हमने J में I माइनस वन स्टोर कर दिया, तो J तो पॉइंट करेगा लास्ट इंडेक्स को। अब हमें क्या करना है, हमें S1 की वैल्यू को S2 में डालना है। तो J जो है वो लास्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है जो कि S1 है। अब हमें एक और वेरिएबल यूज करना पड़ेगा जो कि जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं K इक्वल्स टू जीरो एंड उसको यहाँ पर प्लस प्लस करा देते। तो इससे आपको एक नई चीज और सीखने को मिलेगी कि हम जो फॉर लूप इनिशियलाइज करते हैं उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल भी इनिशियलाइज हो सकते हैं और एक से ज्यादा वेरिएबल्स को इंक्रीज या डिक्रीज भी एक साथ किया जा सकता है। तो अब के तो सेकेंड लूप के सेकेंड स्ट्रिंग के काम आएगा एस टू ऑफ के, और जे फर्स्ट स्ट्रिंग के काम आएगा एस वन ऑफ जे। ठीक, तो अब इसको देखते हैं। देखो आई की वैल्यू थी फाइव, फाइव माइनस वन कितना हुआ फोर, तो अब जे तो मान लीजिए फोर है, या मैं लिख देता हूं जे तो है फोर। ठीक है, और के कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से। कंडीशन चेक करो, जे जीरो से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू। तो अब एस वन एस वन स्ट्रिंग का जे इंडेक्स किस में असाइन हो जाएगा, एस टू के इंडेक्स पर। ठीक है, तो एस टू मतलब एस वन मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग, जे मतलब फोर, तो ये ए जो है ये एस टू के जीरो इंडेक्स पर जाकर कॉपी हो जाएगा। फिर जे माइनस माइनस होगा तो जे की वैल्यू क्या हो गई थ्री, के प्लस प्लस होगा के हो जाएगा वन। तो अब की बार क्या होगा, ये जो एस वन ऑफ जे है तो यहां पर देखो जे कितना है अभी थ्री, तो थर्ड इंडेक्स पर क्या है कैपिटल आई, तो अब कैपिटल आई एस टू स्ट्रिंग के पोजिशन पर जाएगा और के की वैल्यू क्या है वन, तो वो फर्स्ट इंडेक्स पर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से एस वन के जो एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में एक एक करके फैच हो रहे हैं
और जो S2 स्ट्रिंग है उसमें जाकर स्टोर हो जाएंगे। अब एक चीज और बताइए कि जब ये फॉर लूप कंप्लीट होगा तो क्या S2 स्ट्रिंग में नल कभी भी स्टोर होगा? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि नल को हम ऑलरेडी स्किप कर चुके हैं, हम जो रिवर्स है वो इस तरीके से स्टोर करा रहे हैं, तो नल S2 में कभी भी स्टोर नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, ये फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा तो आप लिखोगे S2 ऑफ k इक्वल्स टू नल। तो किसी भी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बनाने के लिए उसमें नल को स्टोर करना जरूरी है। तो हम S1 की वैल्यूज तो कॉपी करा रहे हैं बट नल कभी भी कॉपी नहीं होगा, तो नल को कॉपी करने के लिए आपको लूप फिनिश होने का वेट करना पड़ेगा, और लूप के फिनिश होने के बाद आप इस तरीके से नल को के पोजीशन पे स्टोर कर देंगे। तो के जो लास्ट कैरेक्टर है उसके जस्ट बाद वाले पोजीशन पर होगा, तो वहां पे नल स्टोर हो जाएगा। अब आप यूज कर सकते हैं प्रिंट एफ परसेंट एस एस टू। तो देखो एस टू को मैं परसेंट एस के थ्रू प्रिंट करा रहा हूं, क्योंकि एस वन स्ट्रिंग का रिवर्स किसमें कॉपी हो चुका है, S2 के अंदर, और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। K वेरिएबल यूज किया बट उसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो एक एरर आई, तो पहले इसको ठीक किया। अब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो मैं अब देखो फिर से एंटर कर रहा हूं इंडिया, तो देखो रिवर्स प्रिंट हो रहा है ए आई डी एन आई इंडिया का रिवर्स, और इंडिया का जो रिवर्स है वो कौन प्रिंट कर रहा है, S2। और मैंने परसेंट एस यूज किया जो कि स्ट्रिंग को डिनोट करता है, और वो इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मैंने लास्ट में नल को भी कॉपी किया। तो इस तरीके से आई होप कि आपको दोनों लॉजिक समझ में आ गए होंगे कि स्ट्रिंग को रिवर्स फॉर्म में प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और एक स्ट्रिंग को रिवर्स फॉर्म में किसी दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है तो वो भी किया जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, रिवर्स के बाद नेक्स्ट है कॉपी अ स्ट्रिंग इनटू अनदर। तो कॉपी वाली चीज मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ, बट अभी जो हमने स्ट्रिंग कॉपी की थी वो रिवर्स ऑर्डर में की थी, अब हमें उसको नॉर्मल ऑर्डर में कॉपी करना है। तो इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो वो भी हो जाएगा। कॉपी ऑफ स्ट्रिंग, तो हम S1 की वैल्यू को S2 में कॉपी करा देंगे, तो यहाँ तक प्रोग्राम सेम रहेगा। अब हमें आई और सिर्फ आई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, इस लूप की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, आई वेरिएबल को जीरो से स्टार्ट करूंगा, ए को रिमूव कर रहे हैं। लूप कब तक चलेगा, जब तक कि S1 के अंदर जो नल स्टोर्ड है वहां तक अपन नहीं पहुंच जाते, तो ये हमें लिखना पड़ेगा एज अ कंडीशन, और यहां पर हम लिख देते हैं आई प्लस प्लस, देन S2 ऑफ आई में S1 ऑफ आई को कॉपी करना है, देन S2 ऑफ आई में नल कॉपी होगा और बाकी सब सेम रहेगा। तो अब एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं मैंने क्या क्या चेंजेस किए। तो दो स्ट्रिंग एज इट इज, देन ये वाला पार्ट सही में हमने S1 को रीड किया। अब देखो कॉपी करने में क्या करना है, S1 का जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो S2 के जीरो इंडेक्स पर जाएगी, S1 के वन इंडेक्स की वैल्यू S2 के वन इंडेक्स पर जाएगी। इट मीन्स सेम इंडेक्स की वैल्यू सेम इंडेक्स पर कॉपी करानी। रिवर्स में उल्टा था, रिवर्स में क्या था, S1 का लास्ट इंडेक्स S2 के फर्स्ट इंडेक्स पर आ रहा था, इसलिए हमने वो उस तरीके का कॉपी लूप चलाया था। बट अभी आई वेरिएबल ही दोनों के लिए काम में आ जाएगा, तो यहाँ देख सकते हो S1 के जो आई इंडेक्स की वैल्यू है वो S2 के आई इंडेक्स पे चली जाएगी, और ये काम कब तक होगा, जब तक फर्स्ट रिंग के आई इंडेक्स पर नल नहीं मिल जाता। जैसे ही नल मिलेगा ये लूप स्टॉप हो जाएगा, इट मीन्स नल कॉपी नहीं होगा। तो अगेन लूप फिनिश होने के बाद S2 को स्ट्रिंग बनाने के लिए S2 के आई पोजिशन पर क्या स्टोर करना पड़ेगा, नल। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप मैन्युअली एक एक कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करते हैं तो नॉर्मली नल कॉपी नहीं होता है, क्योंकि नल पे हमारी टर्मिनेशन कंडीशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लूप फिनिश होने के बाद नल खुद से कॉपी कराना पड़ेगा ताकि कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो पाए और आप परसेंट एस के थ्रू उसको प्रिंट करा सकें या फिर पुट एस यूज कर पाए। तो अब अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मैं दोनों स्ट्रिंग ही प्रिंट करा देता हूं। ये हमने प्रिंट किया S1 और यहां लिख दिया सेकेंड स्ट्रिंग इक्वल्स टू परसेंट S2। तो आप देखोगे दोनों में सेम वैल्यूज यहां पे अवेलेबल होंगी। तो अब इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। फिर से मैंने एंटर किया इंडिया,
तो आप देख सकते हो फर्स्ट स्ट्रिंग में भी इंडिया है और सेकंड स्ट्रिंग में भी इंडिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेम इंडेक्स वैल्यूज को एक एक करके कॉपी किया। तो ये स्ट्रिंग कॉपी का लॉजिक है जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये जितने भी प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है और मोस्टली इनमें से एक एक ना एक प्रोग्राम तो एग्जाम में आ ही जाता है। तो इनको ध्यान से समझिएगा और इनको वीडियो को देखने के बाद खुद से भी प्रैक्टिस करें या फिर साथ के साथ लैपटॉप लेके बैठिए। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ आप अपने लैपटॉप में टाइप करके भी इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट हो, कहीं भी कंफ्यूजन हो, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करने का प्लेलिस्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसको यूज करो। नाउ थर्ड प्रोग्राम है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार हम देखते हैं कॉन्कैटिनेशन बेसिकली होता क्या, ठीक है, फिर इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में आपको दोनों स्ट्रिंग्स को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो S1 में लेट सपोज मैंने लिया संजय और S2 में मैंने लिया गुप्ता। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके किसी भी एक में वैल्यूज को मर्ज कर देना। तो S1 इज संजय, S2 इज गुप्ता। तो जब मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से आउटपुट चाहिए कि S1 में मेरा फर्स्ट नेम भी अवेलेबल हो और S2 में जो मेरा लास्ट नेम था वो S1 में ही ऐड हो जाए, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन। तो नया थर्ड स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग दो हैं उनमें से ही किसी एक में आपको दूसरे की वैल्यूज को कॉपी कराना है, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है, ये दो स्ट्रिंग्स हैं, हमें S1 के लास्ट में जो गुप्ता है उसको कॉपी कराना है। इट मीन्स S1 में हमें इस पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा और इस पोजीशन पे क्या मिलेगा, नल, दोनों के एंड में नल अवेलेबल है। तो हमें एक एक करके लूप को इटरेट करना है और किस पोजीशन पे पहुंचना है, नल पोजीशन पर। तो उसके लिए मैंने आपको अभी जो फर्स्ट प्रोग्राम था उसमें एक लूप बताया था कि अगर हम ये लिखते हैं, मैं इसी लूप को कॉपी कर लेता हूं, तो S1 ऑफ i नॉट इक्वल्स टू नल i प्लस प्लस और सेमीकोलन लगा देता हूं, तो ये जो लूप है ये इंडिपेंडेंटली i को किस पोजीशन पे ले आएगा, नल पोजीशन पर, ठीक है। तो i अब अपना नल पोजीशन पर है। तो इस लूप के खत्म होने के बाद मैं क्या करता हूं, S1 ऑफ i इक्वल्स टू एक ब्लैंक स्पेस स्टोर कर देता हूं क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस चाहिए। तो अब ये नल तो हट गया और इसकी जगह स्पेस आ गया और मुझे i को अगली पोजीशन पे पहुंचाना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया i प्लस प्लस, ठीक है। तो अब देखो इस लूप के थ्रू हम फर्स्ट स्ट्रिंग के नल पोजीशन पे पहुंचे, नल की जगह हमने कॉपी कर दिया ब्लैंक स्पेस और जो i था, i इंडेक्स जो कि नल को पॉइंट कर रहा था वो अब स्पेस को पॉइंट कर रहा है और जैसे ही i को प्लस प्लस किया तो वो उस इंडेक्स को पॉइंट करेगा जो कि स्पेस के जस्ट बाद है, ठीक है। तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो संजय देन स्पेस और स्पेस के बाद जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है उस पोजीशन को आई अभी पॉइंट कर रहा है जहां पर हमें GUPTA एक एक करके कॉपी कराना है, ठीक। तो आप देखो S2 में हमें जीरो इंडेक्स से ही बिगिनिंग करनी है, तो यहां लिखा J। अब कॉपी किसको कराना है, S2 को। तो इट मींस ये जो सेकेंड लूप है वो किस पे डिपेंड करेगा, S2 पर, कि जब तक S2 स्ट्रिंग में नल नहीं आ जाता तब तक हमें एक एक कैरेक्टर को कॉपी करना है। तो यहां मैंने लिखा S2 ऑफ J नॉट इक्वल्स टू नल और J++। कॉपी किस में करना है, S1 में, किस पोजीशन पर i, कहां से कॉपी करना है, S2 से, किस पोजीशन से, J। और जैसे ही ये कॉपी हो जाएगा तो आप देख सकते हो J तो ऊपर प्लस प्लस हो रहा है और हम यहाँ पर i को भी प्लस प्लस करेंगे ताकि जो S1 स्ट्रिंग है उस पर एक वैल्यू आने के बाद कर्सर या इंडेक्स अगले पोजीशन को पॉइंट करने लगे। और आप चाहे तो i प्लस प्लस को कॉमा लगाकर यहाँ पर भी लिख सकते हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी मैंने यहीं पर लिख दिया, आप चाहे तो उसको कॉमा लगाकर ऊपर भी यूज कर सकते हो। तो जब ये लूप फिनिश होगा तो लूप के फिनिश होने पर ये पूरा जो गुप्ता है वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो चुका होगा, बट नल कॉपी नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि नल आने पर तो ये लूप टर्मिनेट ही हो जाएगा, ठीक है। इट मींस अब क्या करेंगे, S1 के i इंडेक्स पर हमें क्या कॉपी करना है, नल। अभी S1 पे क्यों कॉपी किया, नल,
क्योंकि दोनों चीजें कंबाइन होकर एस वन में जा रही है, तो नल हमें किसमें डालना पड़ेगा, एस वन स्ट्रिंग के अंदर। ठीक, तो ये अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग और ये सेकंड स्ट्रिंग, अब इनको प्रिंट कराकर देख लेते हैं कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। अब मैंने जे वेरिएबल और यूज किया तो कॉमा लगाकर जे लिख देते हैं। ये कॉन्कैटिनेशन का प्रोग्राम है तो आप कमेंट में कॉन्कैटिनेशन यूज कर सकते हैं। तो अब इसको, ओह सॉरी, अभी मुझे यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स को इनपुट कराना है। ठीक है, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर सेकंड स्ट्रिंग और यहाँ लिख दिया एस टू। तो अब देखो पहले फर्स्ट स्ट्रिंग आएगी, देन सेकंड स्ट्रिंग आ जाएगी, उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग के लास्ट पोजीशन पे पहुंचे, देन स्पेस एंटर किया और अगले पोजीशन पर इंडेक्स को लेकर गए, देन जो सेकंड स्ट्रिंग है उसके एक एक कैरेक्टर को कॉपी किया एस वन में और फिर एस वन में नल असाइन करके दोनों स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करा। तो अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें दो स्ट्रिंग्स इनपुट करनी होगी। तो मैंने एंटर किया संजय और फिर गुप्ता। अब आउटपुट देखिएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग में दोनों कंबाइन हो गए संजय गुप्ता, और जबकि सेकंड स्ट्रिंग में अभी भी गुप्ता अवेलेबल है। इट मीन सेकंड स्ट्रिंग से जो मेरा लास्ट नेम था वो फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में कॉन्कैटिनेट हो गया, और बीच में देख सकते हैं स्पेस भी आ रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन काम करता है। तो आई होप कि मैंने बहुत ही ईजी वे में स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको अपने लैपटॉप पर इम्प्लीमेंट करें। कोई भी डाउट हो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट करिएगा। एंड अब लास्ट प्रोग्राम बचता है स्ट्रिंग कंपैरिजन, और उसके बाद हम ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस देखेंगे। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन देखते हैं। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन बेसिकली हमें वैल्यूज का करना है कि दो स्ट्रिंग अपने पास में अवेलेबल है तो हमें चेक करना है कि दोनों के अंदर जो कंटेंट है वो इक्वल है या नहीं। तो अगेन दो स्ट्रिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहां तक प्रोग्राम सेम है। लूप हमें इटरेट करना होगा। तो अब देखो, लेट से ये अपनी पहली स्ट्रिंग है एबीसी, ये अपनी दूसरी स्ट्रिंग है एबीसी, तो इस केस में दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होंगी। ठीक है, दोनों के अंदर जो कंटेंट है वो सेम है। देन मैंने लिखा ए बी और एस टू में मैंने लिखा ए बी सी। तो अब देखो इसमें फर्स्ट टू कैरेक्टर तो सेम है, लास्ट कैरेक्टर सेम नहीं है। तो यहां पर नल होगा और इसमें सी के बाद नल होगा, तो जो एस वन है वो पहले ही नल तक पहुंच जाएगा, और नल को अगर अपन सी से कंपेयर करेंगे तो ये अनइक्वल हो जाएगा। इट मींस हमें लूप चलाते जाना है जब तक कि दो कैरेक्टर अनइक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, जब तक सारे कैरेक्टर इक्वल मिलते जाएंगे तब तक लूप आगे बढ़ता जाएगा, जैसे ही अनइक्वल मिलेंगे तो हम लूप को स्टॉप कर देंगे, ब्रेक की वर्ड यूज करके, कि हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स है वो अनइक्वल है। ठीक है, तो अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमें एक ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी आई इंडेक्स के लिए, क्योंकि हमें जीरो इंडेक्स को कंपेयर करना है, फिर वन इंडेक्स को कंपेयर करना है, एंड सो ऑन। तो अगर एस वन नल के, एस वन ऑफ आई नल के इक्वल नहीं है और एस टू ऑफ आई नल के इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक अगर नल के इक्वल नहीं है तो ये लूप चलेगा। और लूप के अंदर अब आपको इफ कंडीशन अप्लाई करना है एस वन ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू एस टू ऑफ आई। ठीक है, तो अगर एस वन स्ट्रिंग का आई इंडेक्स एस टू स्ट्रिंग के आई इंडेक्स की इक्वल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लैग वेरिएबल बनाओ, इनिशियली वो जीरो होगा और यहां उसको सेट कर दो वन और ब्रेक। तो जब अनइक्वल होगा तो ही फ्लैग में वन आएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और सारे कैरेक्टर अगर इक्वल होंगे तो फ्लैग में कभी भी वन असाइन नहीं होगा, फ्लैग की वैल्यू क्या रह जाएगी, जीरो। तो अब ये लूप खत्म होने के बाद हमें सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है, वैल्यू ऑफ फ्लैग। तो इफ फ्लैग डबल इक्वल्स टू जीरो तो आप बोल सकते हैं स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और एल्स स्ट्रिंग्स आर अनइक्वल। ठीक है, तो अपन सारे केसेस चेक करेंगे, और ध्यान रखिएगा हम लेंथ को चेक नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको चेक कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट कराते हैं इसको,
तो देखो फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने डाला एबीसी, सेकंड में भी डाला एबीसी, तो इसने प्रिंट किया स्ट्रिंग्स आर इक्वल। फिर से हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग में डाला एबीसी, सेकंड में डाला एक्सबीसी, तो स्ट्रिंग्स आर अनइक्वल। ठीक है, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। फिर से एबीसी और ए बी, तो स्ट्रिंग्स आर अनइक्वल। तो अगर इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग डाली, कैरेक्टर सेम है तो भी सही काम किया, इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग डाली कैरेक्टर्स डिफरेंट है तो भी सही काम किया, अनइक्वल लेंथ डाला तो भी सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो एबीसी एबीसी अगर एज इट इज डाल रहा है तो ये प्रिंट कर रहा है स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और बाकी सारे केसेस में क्या प्रिंट कर रहा है, स्ट्रिंग्स आर अनइक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम मैंने इम्प्लीमेंट किया जिसमें हम अनइक्वल वाला केस चेक कर रहे हैं और फ्लैग को वन सेट करके ब्रेक करेंगे। अनइक्वल नहीं होता है और पूरे पूरा पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाता है और कभी भी ये अनइक्वल नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में ये जो फ्लैग है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने कंपैरिजन परफॉर्म किया। नाउ अब कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस मुझे आपको बताना है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालना, कॉपी करना, कॉन्कैटिनेशन, रिवर्स, कंपैरिजन से ही रिलेटेड है। तो जितने भी प्रोग्राम अभी हमने बनाए उसके लिए हमने पूरा पूरा प्रोसेस खुद से लिखा, लूप इंप्लीमेंट किया और हमने लॉजिक को डेवलप किया। अब सी ये कहता है कि कुछ फंक्शंस उसने खुद से इंप्लीमेंट किए हुए हैं, आपको डायरेक्टली उन्हें यूज करना है, कोई लॉजिक आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग की। जब भी उन्हें यूज करना है तो आपको एक हेडर फाइल और इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, तो अब पहले स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं। तो देखो अब प्रोग्राम बहुत ही छोटे होंगे क्योंकि हमें कोड या लॉजिक तो इंप्लीमेंट करना नहीं है, हमें डायरेक्टली यूज करना है प्री डिफाइंड फंक्शन को। तो लेंथ इक्वल्स टू str len s1, दैट्स इट। तो str len का काम है लेंथ आइडेंटिफाई करना, तो वो लेंथ निकालेगा, s1 की len वेरिएबल में डालेगा और अब आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करा। तो नॉर्मली एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ मेंशन भी होता है कि डोंट यूज प्री डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन से आपका टास्क बहुत इजी हो जाता है। देखो संजय इनपुट किया, लेंथ कितना आया 6। तो एग्जाम में कोशिश करें कि प्री डिफाइंड फंक्शन यूज ना करके पूरा लॉजिक आप खुद से इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पूरा लॉजिक अगर आप खुद से इम्प्लीमेंट करोगे तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में डेप्थ नॉलेज है, और अगर आप प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करके उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने लॉजिक तो इम्प्लीमेंट किया नहीं, आपने तो सी का जो फीचर है उसको डायरेक्टली यूज कर लिया, तो आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो वहां पर शो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज strcpy। तो अब देखो s1 को s2 में कॉपी करेंगे, तो अब हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं strcpy s2, s1 और यहां पर प्रिंट कर देंगे। सेकेंड स्ट्रिंग इक्वल्स टू %s s2। ठीक है, s1 में इनपुट करवा रहे हैं, प्रिंट किसको कर रहे हैं, s2 को। तो s2 वही प्रिंट करना चाहिए जो s1 में अवेलेबल है, तो यहाँ लेंथ वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको रिमूव कर देते हैं। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इनपुट किया संजय, तो आप देख सकते हो कि जो सेकेंड स्ट्रिंग है वो क्या प्रिंट कर रहा है, संजय। तो हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा इसमें वो टारगेट होता है और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो सोर्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है, तो हमने बहुत ही डिफिकल्ट सा लॉजिक वहां पे इम्प्लीमेंट किया था जिसमें दो तीन लूप चलाए थे, तो अब उसको इजी बना देते हैं क्योंकि सी ने हमें एक बहुत ही प्यारा सा फंक्शन दिया है strcat। तो अब इसमें देखो क्या होगा, s1 में कॉन्कैटिनेशन होगा s2 का, तो यहां लिख देते हैं कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग s1। तो अब मैं s1 में मेरा फर्स्ट नेम इनपुट करूंगा, s2 में मेरा लास्ट नेम, बट आप देखोगे कि s1 मेरा फुल नेम प्रिंट कराएगा। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप देख सकते हो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग में क्या आया, फुल नेम।
अब यहाँ पे नोटिस करना कि स्पेस नहीं आया, ठीक है, तो वो अब आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप स्पेस भी चाहते हो तो आप क्या करो, पहले स्पेस को कंकैटिनेट कराओ, strcat s1 कॉमा स्पेस, ठीक है, तो s1 में स्पेस ऐड होगा, देन s1 में s2 ऐड होगा, तो इस तरीके से आपके नेम के बीच में स्पेसेस भी आ जाएंगे। ओ, सिंगल कोट्स की जगह यहाँ डबल कोट्स, क्योंकि हमें स्ट्रिंग पास करना है, मैंने गलती से कैरेक्टर कॉन्स्टेंट पास कर दिया था, तो अब देखिएगा आप स्पेस भी आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से अब आप इजीली थोड़े बहुत चेंजेस खुद से भी करके देख सकते हैं, क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो मैंने str alien बता दिया, strcpy बता दिया, strcat बता दिया, अब बात करते हैं रिवर्स की। तो रिवर्स के लिए हमने बहुत बड़ा सा कोड लिखा था, तो इनको तो मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि इसको अगले प्रोग्राम में यूज करना है। तो strrev s1 यहाँ पर लिख देते हैं रिवर्स, तो अब s1 का रिवर्स प्रिंट होगा, इंडिया देख सकते हो, इंडिया का रिवर्स प्रिंट हो रहा है ऑटोमेटिकली। हमने जस्ट क्या किया, ये स्टेटमेंट लिखा है, रिवर्स में s1 को पास किया तो वो रिवर्स हो गया अपने आप और s1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि प्री डिफाइंड है, जब यूजर डिफाइंड होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लॉजिक हमें खुद से डिसाइड करना होता है। अब दो और बचते हैं, strcmp और strcmpi। तो जो मैंने अभी स्ट्रिंग कंपैरिजन आपको बताया था, ये जो स्ट्रिंग कंपैरिजन आपको मैंने बताया था, ये वाला प्रोग्राम, तो उस केस में मैंने आपको अपर केस से कंपेयर करके बताया था। अगर आप अपर केस एंड लोअर केस कंपेयर करेंगे तो वो अनइक्वल बताएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो मेथड्स हैं, strcmp और strcmpi। तो strcmp तो केस सेंसिटिव होता है, कि अपर केस और लोअर केस डिफरेंट होंगे, जैसा कि अपन ने कोड लिखा था। बट strcmpi क्या करेगा, केस इग्नोर कर देगा, मतलब उसके लिए अपर केस लोअर केस सेम है, तो अगर आपने कैपिटल ABC लिखा और स्मॉल ABC लिखा तो वो उसको इक्वल बता देगा। तो अभी ये अपन प्रैक्टिकली देखते हैं इंप्लीमेंट करके। तो अब यहाँ पर इस तरीके से हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो strcmp क्या करता है, अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो n में असाइन कर देगा 0, अदरवाइज नॉन जीरो। इफ n डबल इक्वल्स टू 0 तो आप प्रिंट कर सकते हैं इक्वल, और एल्स में आप लिख सकते हो अनइक्वल, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एबीसी अनइक्वल, अपर केस लोअर केस आर अनइक्वल, और अगर अपर केस डालेंगे तो इक्वल, ठीक है। तो इस केस में ये इक्वल आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ strcmpi लगा देता हूँ, मैंने सिर्फ strcmp में i और ऐड किया, तो i का मतलब यहाँ पर है इग्नोर केस। तो अब अगर इसको सेव करके आप एग्जीक्यूट करेंगे और आपने abc स्मॉल और abc कैपिटल डाला, तो ये उसको भी इक्वल बता देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स लाइक रिवर्स, कॉपी, कंकैटिनेशन, कंपैरिजन का यूजर डिफाइंड मेथड, मतलब लॉजिक हमने खुद से इंप्लीमेंट किया, और सबका प्री डिफाइंड फंक्शन के थ्रू रिलेशन भी बताया। तो आई होप कि आपको पिछला वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 18 था वो भी समझ में आया होगा, स्ट्रिंग के बेस और कुछ सिंपल प्रोग्राम्स के लिए, और लेक्चर नंबर 19 में हमने और एडवांस प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगला वीडियो जरूर से देखिएगा, उसमें नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ठीक है। तो इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर जो कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो कैसे इंप्लीमेंट होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो सीरीज में जो भी वीडियोज अवेलेबल है जो मैंने आपके लिए बनाया वो पसंद आ रहे होंगे, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो बिगिनर हैं उनको एक हेल्प मिले और वो प्रोग्रामिंग से डरे नहीं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रोग्राम्स मैंने हर वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं उनको खुद से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके जरूर से देखिएगा, और कोई भी डाउट हो सो आई एम अवेलेबल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।